हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी जरूरत क्या होती है, मतलब क्यों जो है कि कंस्ट्रक्टर दुनिया भर के टाइप्स वगैरह मतलब बने हैं, तो ये दुनिया भर के टाइप्स बने क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ही तरह के कंस्ट्रक्टर जो है कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा जो है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, मान लीजिए कि आपका ये स्टूडेंट क्लास है, ये मान लीजिए आपका क्लास है, यहां पे आपका नेम है और ये आपकी आईडी है, ठीक है। ये मान लीजिए कि इसके बाद जो है कि गेटर और सेटर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर आप मान लीजिए कि आप क्रिएट करते हो स्टूडेंट एसटी इक्वल न्यू स्टूडेंट, तो यहां पे ऑब्वियसली आपने यहां पे कोई कंस्ट्रक्टर तो दिया नहीं है। फिर भी जो है कि अगर आपने कोई यहां पे कंस्ट्रक्टर दिया नहीं है और इस क्लास को आप कंपाइल करते हो, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा कि अरे भाई यहां पे तो कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, ठीक है, चलो हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां पे क्रिएट करके इस क्लास को दे देते हैं। यानी आप जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जो है कि ये कॉल करेगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब भी आपके मेमोरी में अगर मान लीजिए कि स्पेस एलोकेट होता है, अब इंस्टेंस क्रिएट करें तो स्पेस एलोकेट होगा, तो वहां पे जो इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करता है, स्पेशल एलोकेट हो गया, वहां पे इंस्टेंस को कंस्ट्रक्ट जो करता है, जो है कि उसमें जो भी इंस्टेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं उन पे जो वैल्यूज वगैरह असाइन करना होता है वो कंस्ट्रक्टर का काम होता है असाइन करना, ठीक है। तो यहां पे नेम और आईडी इसमें जो है कि कोई भी मतलब वैल्यू तो आप यहां पे असाइन कर नहीं रहे हो, कंस्ट्रक्टर भी आपने कुछ बताया नहीं यहां पे, तो यहां पे क्या होगा कि जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, ठीक है, नेम का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नल, तो नल यहां पे असाइन हो जाएगा, आईडी की वैल्यू जो है कि जीरो असाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई जो है हम यहां पे कुछ यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, यानी जब भी ये कंस्ट्रक्टर जो है कि इंस्टेंस को क्रिएट करे, ठीक है, यानी कंस्ट्रक्ट करे, तो उस वक्त जो है कि हम कुछ अपने मर्जी से नल और जीरो को छोड़ के कुछ और वैल्यू जो है कि यहां पे असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पे कंस्ट्रक्टर को यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, देखो भाई नेम को तुम क्या रखोगे, आईडी को क्या रखोगे। तो उसके लिए आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, स्टूडेंट टाइप कर जाएगी कंस्ट्रक्टर आप यहां पे क्रिएट करोगे, ठीक है, और यहां पे नेम इक्वल मान लीजिए कि आप देते हो बाय डिफॉल्ट जो है कि न्यू स्टूडेंट ये आप देते हो, और आईडी इक्वल मान लीजिए कि आप वन देते हो, ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे दिया, ठीक है, और यहां पे आपका जो है ये क्लोज हो गया है। तो इस लाइन से अब क्या हुआ कि अब जब भी आपका इंस्टेंस जो है कि मेमोरी में कंस्ट्रक्ट होगा तो वहां पे ये नल के बजाय जो भी वैल्यू आपने यहां पे दिया है वो वैल्यू वहां पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ दूसरा रीजन कंस्ट्रक्टर के होने का, यानी अब जितनी बार आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे उतनी बार जो है कि यही वैल्यू जो है कि यहां पे असाइन होगा, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा है कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए कि आप 500-600 स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हो और उसमें सबका नाम जो है कि न्यू स्टूडेंट हो और सबकी आईडी वन हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है, आईडी भी डिफरेंट होगी और स्टूडेंट भी डिफरेंट होगा। तो यहां पे क्या होता है, जिस तरह से आपके डेटाबेस वगैरह में जो है कि आपका मैंडेटरी फील्ड होते हैं, राइट, जैसे कोई भी मतलब फील्ड है जो का जो है कि नॉट नल होता है, उसी तरह यहां पे भी आप इसको नॉट नल बना सकते हो, आइदर नेम को या फिर आईडी को या फिर दोनों को। और नॉट नल बनाया हो इसका मतलब जब भी आप जो है स्टूडेंट का इंस्टेंस कंस्ट्रक्ट करोगे उस वक्त आपको नेम और आईडी की वैल्यू देना कंपलसरी हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये तो जो है कि वही न्यूटन ने जो है कि ग्रेविटी का आविष्कार नहीं किया था, ग्रेविटी को पता लगा था, तो वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो जो है कि नॉर्मली हम लोग मतलब कब से यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्कूलिंग टाइम से अपना यूज करते आ रहे हैं। लेकिन असली पर्पज इसका जो है कि यही है कि इसको नॉट नल वैल्यू क्रिएट कर देता है, ठीक है। यहां पर अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहां पर आपने जो है कि मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना देकर कि अगर आप दे देते हो यहाँ पे मैनुअली जो है कि यहाँ पे नेम दे देते हो और आईडी दे देते हो, तो
अब जो है कि जब भी आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपका ये देना कंपलसरी हो जाएगा, नेम और आईडी का वैल्यू देना यहां से कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप नहीं देखो तो आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही है रियल यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये तीन चीज। बाकी इसके बाद दुनिया भर के वो अलग अलग कंस्ट्रक्टर है, वो सारी चीजें मतलब क्या नाम है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, फिर दूसरा अदर कंस्ट्रक्टर वगैरह है, तो रीड ओनली वैल्यूज वगैरह को इनिशियलाइज करने के लिए वो सारी चीजें मतलब डिफरेंट है। लेकिन ये चीज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ देता है व्हाट इज द रियल यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली होता है, अगर ये पॉइंट आपने बता दिया ना तो भाई इंटरव्यूअर जो है मगन हो जाएगा, सही कह रहा हूं, मगन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि हम थोड़ा इसका हाईलाइट करना चाह रहे थे, तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसमें जो है कि वैसे इसमें जाने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर बातें करें तो इसमें घंटों घंटों बातें कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर पे इतना बढ़िया चीज है ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।